नमस्कार आज मैं आपसे बात करूंगी वट इज द पर्पज ऑफ वास्तु क्या है पर्पज वास्तु का जैसा कि हम सभी जानते हैं इस दुनिया में जो भी एग्जिस्टेंस है उनका अपना अपना एक पर्पज है आपका एक अपना पर्पज है मेरा अपना पर्पज है और तो और जो ऑब्जेक्ट्स है वो किसी ना किसी पर्पज के लिए बने होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्लास की बात करती हूँ ग्लास का क्या पर्पज है कि हम उसमें पानी डालें और उसको पी सकें मान लीजिए उसी ग्लास में एक छेद है क्या वो अपना पर्पस सॉल्व कर पाएगा क्या मुझसे पानी पी पाएंगे नहीं ना इसी तरीके से कोई भी बिल्ट अप एरिया होता है उसका अपना अपना एक पर्पस होता है अब बिल्ट अप एरिया कितने तरीके के होते हैं फॉर एग्जांपल रेसिडेंशियल बिल्डिंग आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपकी फैक्ट्रीज ऑफिसेस गोदाउन्स हर एक बिल्ट एरिया का अकॉर्डिंग टू इट्स नीड डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है अब वो एनर्जी उसके अकॉर्डिंग मैच ना हो तो वो चीजें वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाती पर आज हम बात करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग की क्यों इंसान एक घर बनाता है कि सुबह से जब वो थका हुआ शाम को घर आए चैन की नींद सो पाए रिश्तों की मिठास पा पाए एक हेल्दी लाइफ जी पाए एक अपनी सक्सेसफुल करियर पे जी पाए हमारे घर का क्या प्रयोजन है क्या पर्पस है कि इंसान को जो उस घर में रह रहे लोग हैं उनकी मन चाहे एक खुशी भरी जिंदगी जीने में हेल्प करे अगर वही घर उसी घर में आपको कोई प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ में चाहे 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 रिश्तों में, चा फाइनेंसेस में, ग्रोथ में, ग्रोथ इसका मतलब उस घर में कहीं ना कहीं कोई इम्बेलेंस है यहां आता है वास्तु का पर्पस। वास्तु वो साइंस है जो आपके एनवायरमेंट में आपके घर में जो इम्बेलेंसेस है उसको बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है ताकि आप जिसके हकदार हैं एक सक्सेसफुल एक हैप्पी और एक हेल्थी लाइफ के वो आप जी सके आप को अगर अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कीजिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि महावास्तु के माध्यम से मैं उनका सोल्यूशन दे पाऊ नमस्ते